हिंदू धर्म में सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। पंचांग के अनुसार सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग भोले बाबा को बहुत प्रिय है, जो उनके गले में भी लिपटा रहता है। इसी कड़ी में हम आपको उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर की कहानी सुनाने वाले हैं। इस मंदिर के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन होते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर की एक खास बात है जो हर कोई नहीं जानता। यहाँ 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर महाकालेश्वर, दूसरी पर ओंकारेश्वर और तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नाग पंचमी पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है क्योंकि यहाँ के दर्शन बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। इस मंदिर का क्या रहस्य है, आइए ये भी जान लेते हैं। इसके लिए लोकलिटी ने महाकाल मंदिर के महंत विनीत गिरी से खास बातचीत की, सुनिए। भगवान महाकाल का जो मुख्य मंदिर है, उसी मंदिर के तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह स्थापित है। इसके वर्ष में एक बार पट खोले जाते हैं और ये परंपरा बहुत ही प्राचीन है। हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो भी पदेन महंत होते हैं, उनके द्वारा पट खोले जाते हैं। और त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार 24 घंटे के लिए त्रिकाल पूजा होती है और 24 घंटे के लिए सभी श्रद्धालुओं के को बाबा दर्शन देते हैं। और भगवान नागचंद्रेश्वर का जो विग्रह है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ऐसा विग्रह देखने को नहीं मिलता है जहाँ पर सर्पशैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार स्थापित हो, तो इसलिए उस स्थान का विशेष महत्व है। और ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। जब से ये विग्रह है तभी से परंपरा चली आ रही है। परमारकालीनी मूर्ति, कुछ लोगों का कहना है कि परमारकालीन मूर्ति है, कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल के राजा ने ये मूर्ति दान की थी और उसकी स्थापना यहाँ पर की गई। नाग पंचमी की रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलते हैं और अगले 24 घंटों तक दर्शन किए जा सकते हैं। इस दिन नागचंद्रेश्वर मंदिर में विशेष आरती भी होती है, जिसके बाद मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। एक और खास बात, ये नागचंद्रेश्वर मंदिर पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु की जगह भगवान शिव सर्पशैया पर विराजमान है। यहाँ मंदिर में प्राचीन मूर्तियों में शिव जी, गणेश जी और माँ पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजमान है। विश्व में एकमात्र यही जगह है नागचंद्रेश्वर महादेव, जहाँ उस वर्ष में एक ही बार दर्शन के लिए खुलते हैं। इसीलिए पूरे भारतवर्ष और विश्व से दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए और बाबा की एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन उनके अपन दर्शन करते हैं। तो कई मान्यता है कि जिनको काल सर्प दोष वगैरह जो रहता है, काल सर्प दोष के राहु केतु का भी रहता है, वो मात्र दर्शन मात्र से उनको सब सिद्ध हो जाता है काम। बता दे, इस साल नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य के नवमी तिथि पर 2 विशेष शुभ योग बन रहे हैं, सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। इन दोनों योगों का महासंयोग इस पर्व को और भी खास बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन विधि विधान से पूजा करने से न केवल घर परिवार में शांति और समृद्धि आती है, बल्कि काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। लोकल 18 के लिए उज्जैन से शुभम मरमट की रिपोर्ट।